यू वेरी वेल नो पावर इज गिवन बाय वॉट। मेरे को अभी भी श्योर है बच्चों ने सालों ने फॉर्मूला बाय हार्ट किया होगा। पावर इज गिवन बाय रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मस्त है देख, तुझे अगर मेरे साथ 10th है तो तुझे कुछ मस्त नहीं लगेगा, मेरे साथ 10th नहीं तो आओ ऐसा क्या। ओके, पावर इज पी रेट, रेट मतलब डिनोमिनेटर इज टाइम, रेट मतलब डिनोमिनेटर इज टाइम, डूइंग वर्क वर्ग में। बट 10th में टीचरों ने पढ़ाया था पावर इज वी आई। अब मैं तुझे फील आता हूं, मेरे को 100% श्योर है। कितने, मैं एक बार रिप्लाई देखना चाहता हूं, कितने लोगों के पास प्रूफ है पावर इज इक्वल टू वी आई कैसे आया? कितने लोगों ने प्रूफ के साथ पढ़ा था 10th में पावर इज इक्वल टू वी आई कैसे आया? किसी को पता है पावर वी आई क्यों बोला गया 10th में? क्या भरटा था? देख मैक्सिमम बच्चों ने, देख बच्चों ने रटा था। शुभान बोल रहे हैं नो, शुभान बोल रहे हैं सर नो नो सर, मतलब बच्चों की हालत क्या होगी? सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ही गलत है ना, पूरा सब्जेक्ट का माध्यम क्या है इन्होंने? पोटेंशियल। हाँ बोल, बोलते बोल जरा। पोटेंशियल इज वर्डर को पोटेंशियल नहीं, नहीं ये इसलिए इधर से करते, उल्टा जाएंगे उल्टा जाएंगे, इधर से करते नीचे से करते। बोल, पोटेंशियल वर्डन इज वर्डन वर्क डन, पोटेंशियल इज वर्क डन, पोटेंशियल इज वर्डन में चार्ज। हाँ ऐसा बोलना, पोटेंशियल इज वर्क डन टू मूव दी चार्ज। वॉट इज करंट? चार्ज बाय टाइम। चार्ज चार्ज कर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। लगता है सालों ने आज फील उठाया हो, नहीं तो इतने टाइम से पोटेंशियल वी आई करके पढ़ाए, साला वी आई क्यों मालूम नहीं था? लगता है आज मालूम पड़ा होगा बच्चों को, तो पावर इज वी आई क्यू है ना। बाकी तो सब 10th में रटता ही मारता है, करेक्ट? ओके यस, आई होप सबको अच्छे से फील आया होगा। हाँ फील आया शुभान? पहली बार आई एम थोड़ा सा शॉक, आई डिडंट एक्सपेक्ट पावर इज वी आई। ठीक है ओके, इट्स ओके। नॉलेज को देर देर लेने, देर से लेने में नॉलेज को भी कोई गलत नहीं है, बट लेना इंपॉर्टेंट है ज्ञान को। सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, पावर का यूनिट इज जूल या जूल, जूल टाइम इज सेकेंड। तो पावर का एसआई यूनिट इज वैट, वैट। सो एसआई फर्स्ट फर्स्ट ईयर का है सर, 11th स्टैंडर्ड। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वैट, पावर इज वैट। ओके, सो 1 वैट इज गिवन बाय 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, करेक्ट है? ये सब कुछ फर्स्ट ईयर का है और 10th स्टैंडर्ड का भी है, इनफैक्ट ये 9th का भी है। वर्क एनर्जी पावर 9th स्टैंडर्ड का भी है। नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट फॉर्म्स। वॉट आर द डिफरेंट फॉर्म्स? पावर इज वी आई फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला पावर कैन बी रिटन एज आई, वोल्टेज कैन बी रिटन एज आई आर इंटू आई। सो पावर कैन बी रिटन एज, नॉर्मल ओम्स लॉ यूज कर रहा हूं, पोटेंशियल कैन बी रिटन एज वी आई, आई इंटू आई, आई स्क्वेयर आर। तो ये है सेकेंड फॉर्मूला पावर का। एंड अब हम करेंगे थर्ड फॉर्मूला पावर का। पावर का थर्ड फॉर्मूला इज वी को लिखेंगे, वी को एज इट इज लेंगे, वी को एज इट इज लेंगे, आई को लिखेंगे वी बाय आर। आई रिपीट, आई को लिखेंगे वी बाय आर बाय ओम्स लॉगिन। इधर क्या लिखा था? आई आर। इधर वी को रिप्लेस करके आई आर लिखा, इधर आई को रिप्लेस करके वी बाय आर लिखा, तो यू विल गेट वी स्क्वायर बाय आर। सो ये आ गए 3 फॉर्मूला पावर के, ये आ गया 3 फॉर्मूला पावर के। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। थोड़ा सा और एडिशन करना है तो कर सकते हैं, वो सब 10th स्टैंडर्ड का ही है। सो ये सारी भाषाएं तुझे याद रखनी पड़ेगी, और एक वो तो सब पता ही है, 1 हॉर्स पावर 746 वैट्स एंड ऑल दैट यू नो। आई थिंक सो दिस मच पावर का बैकग्राउंड नॉलेज इज इनफ फॉर यू।